हाथरस सत्संग में हुए दर्दनाक हादसे के बाद हर जगह गम का माहौल है, तो वही हर पार्टी के नेताओं का लगातार अलीगढ़ और हाथरस का दौरा हो रहा है। आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी अलीगढ़ और हाथरस के दौरे पर रहे और हाथरस सत्संग के दौरान हुई मौत के बाद मृतकों के घर पहुंचकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। अलीगढ़ की नगर पंचायत पिलाखना में राहुल गांधी 35 मिनट तक परिवार के लोगों से बातचीत कर हालचाल जाना और परिवार के लोगों को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा भी दिया। आपको बता दें कि इस दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी अलीगढ़ और हाथरस में मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आए। मेरा नाम शांति है। घटना हुई थी, मेरी फैमिली सत्य के साथ में गई हुई थी सिकंदराव, और मेरी भाभी मेरा भतीजा वहाँ उस भीड़ के जब समापन हुआ तो उसी दौरान वो पता नहीं भीड़ में कैसे क्या हुआ। क्या मैं नाम था आपकी भाभी का और भतीजे का? मेरी भाभी का मंजू देवी नाम था, भतीजे का पंकज कुमार। कितनी उम्र थी आपकी भाभी की और भतीजे की? भाभी की 35-34 समथिंग थी यार, मतलब भतीजा मेरा 6 साल में चल रहा था, अकेला बेटा था 4 बेटियों के बाद में। तो बाबा को कब से मानते थे? 5-6 साल हो गई, जब समय मिलता था तभी चले जाते थे। पूरी घटना जो इतनी बड़ी घटना हुई है तो किसको जिम्मेदार मानती है आप? क्या सबसे बड़ा, वहाँ प्रशासन भी नहीं था, अगर प्रशासन होता तो ऐसा नहीं होता वहाँ। और बाबा जब उनके भक्त जब वो वहाँ मरे तो उनने भी नहीं देखा, मेरे भक्त मेरी वजह से मर गए, उनने कुछ नहीं देखा। वो समझा रहे थे, राहुल गांधी से आए थे कि समझा रहे थे कि अपनी मैं सरकार के द्वारा पूरी मदद करूँगा, जो भी है फैमिली को समझा रहे थे। अब 4 बेटियाँ वो कैसे पालेंगे बताओ, बेटा एक भी नहीं है। नहीं, पूछताछ कर रहे थे कि वो 2 लाख रुपए, अब 2 लाख हो या 4 लाख हम क्या करेंगे पैसे का, जब मेरी फैमिली बेकार हो गई। तो कांग्रेस पार्टी ने कोई घोषणा नहीं की? नहीं, अभी तो उनने कुछ नहीं बोला, समझा रहे थे फैमिली को, ये कह रहे पूरी मदद करेंगे आपके परिवार की। हम आपसे क्या बातचीत की थी उन्होंने, क्या पूछा था? वो घटना के बारे में पूछ रहे थे कि ये घटना कैसे हुई, भाभी कहाँ गई थी आपकी, वही सत्य के साथ में गई थी, इसी तरीके से उनने बातचीत की हमसे। तो आपकी भाभी अकेली गई थी या फैमिली के और भी लोग गए थे? भैया गए थे, भैया जब वहाँ पे ऐसा होता है अगर लड़की लड़का अलग बैठते हैं तो वहाँ भाई बहनों की तरफ नहीं जा सकते थे, तो उसी दौरान भैया बाहर खड़े होंगे कहीं, तो उनने जब समापन हुआ तो मेरी भाभी जब रेल चली गई थी। तो आप इस तरह के भावों पर यकीन भरोसा रखती हूँ, मानती हैं? अब इससे ज़्यादा मैं क्या इग्नोर करूँगी, मेरी फैमिली वो चली गई। बाबा के बारे में क्या कहना है? मैं तो कुछ नहीं कहूँगी, अगर वो भगवान थे तो मेरे क्यों नहीं इतने इनके लोगों की जान चली, क्यों नहीं बचाया उनने। मेरे मासूम बच्चे की क्या कमी थी जो मेरा बेटा औरों के पैरों से कुचल गया मरा।